नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, स्वागत है आपका एक संडे मॉर्निंग पे, एक काम मॉर्निंग में। और मुझे पता है आज का दिन एक अच्छा दिन होने वाला है, इट विल बी अ गुड डे। और उसकी वजह मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले टॉपिक से हटके थोड़ी सी बात करते हैं माँ के बारे में, मदर्स के बारे में। माँ कितनी इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। माँ वो शख्स है आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या होनी चाहिए। जब आप खुश होते हैं तो आपका मन करता है वो खुशी आप अपनी माँ के साथ शेयर करें। जब आप दुखी होते हैं, आपको चोट लगती है, आप कष्ट में होते हैं, कठिनाई में होते हैं, तो मुंह से सबसे पहले माँ ही निकलता है। और वो इसी वजह से, क्योंकि माँ आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, आपकी माँ आपसे सबसे क्लोज है, आपकी माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। पर जब हम बड़े होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? शायद सोशल स्टिग्मा है या सोसाइटी ने ऐसे नॉर्म्स बनाए हैं कि बड़े होने के बाद भी जो अपनी माँ से क्लोज होता है उसको आजकल नए नए टर्म से बुलाया जाता है, ममाज बॉय, या ये तो अपनी माँ की ही सुनता है। अगर कोई भी बड़ा होने के बाद अपनी माँ से राय मांगे किसी चीज़ के लिए तो उसे कहा जाता है यार ये तो अपनी माँ से बिना पूछे इतनी बड़ा होके भी कुछ खुद करता नहीं है। पर मेरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम सब ममाज बॉय नहीं है? चाहे हम किसी भी एज में हों, चाहे मैं 2 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, 50 साल का हूँ, मैं हमेशा ममाज बॉय ही रहूँगा, मैं अपनी माँ का बच्चा ही रहूँगा। तो क्यों ऐसा होता है कि एक एज के बाद हमारी क्लोजनेस हमारी माँ से कम हो जाती है? चाहे दिल से प्यार कम नहीं होता, लेकिन चाहे सोसाइटी की वजह से, चाहे काम के प्रेशर की वजह से, चाहे बाकी रिश्ते जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उसकी वजह से, आपका टच आपकी माँ के साथ उतना स्ट्रांग नहीं रह पाता ऑब्वियसली जितना आपके बचपन में होता है। तो इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सुबह 6 बजे भूख भूख के इन दोनों ने ऐसी तैसी कर दी, मेरा पूरा फ्लो, मेरा पूरा रिदम ब्रेक कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल लीव यू विद दिस थॉट। आप सोचिए इस बारे में कि आपके क्या विचार हैं, मुझे कमेंट में बताइए तब तक। और मैं जिम जाने की तैयारी करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ और आज का दिन क्यों स्पेशल है। प्री वर्कआउट मील मैंने ले लिया है, इश्ता जी उठ गई है, वो प्री वर्कआउट मील ले रही है। मैं कॉफी खत्म कर रहा हूँ और जा रहा हूँ जिम। हमें लगाना है आज एक पुश वर्कआउट, और वर्कआउट लगा लोगों के वापस आते हैं और अपनी डिस्कशन कंटिन्यू रखते हैं। मेरे को मत पटा, जब मेरे को शूट करना होता तभी तुझे भूखना होता है। क्या गुस्सा आया था, कौन डाकू आ गए थे सुबह सुबह? मैं जा रहा हूँ जिम, चल पाए। तो आज व्लॉगिंग कार में नहीं जाएंगे, आज जाएंगे बाइक में। ये बिल्कुल ठीक हो गई है, इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली थी बैटरी की। इसको 3 साल हो गए और इसकी बैटरी खराब हो गई थी, इस वजह से ये स्टार्ट नहीं होती थी, मिसिंग देती थी, प्रॉब्लम होती थी। वो मैंने रिप्लेस करा दी है एंड इट्स फंक्शनिंग लाइक अ न्यू बाइक नाउ। तो इस पर चलेंगे आज। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. तो वर्कआउट हो गया, सॉरी एक अच्छा वर्कआउट हो गया। तो अब अपनी बात कंटिन्यू करते हैं माँ के बारे में। मैं अपनी माँ के बहुत क्लोज हूँ, आप सब की तरह मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मैं हमेशा उनके साथ रहा हूँ। मैं अब 40 साल का हूँ और शुरू से मैं उनके साथ ही रहा हूँ, एक जॉइंट फैमिली में। आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन दिल्ली NCR, मेरी पढ़ाई भी दिल्ली NCR में हुई है। काम के सिलसिले में मैं 1.5-2 साल रिलोकेट किया था इंडिया से बाहर, पर उस समय भी मेरी माँ मेरे से मिलने रेगुलरली आती रहती थी। हर महीने में एक चक्कर उनका इजीली लगता था और मेरे साथ वो हफ्ते 10 दिन, कई बार 15 दिन भी रह के जाती थी। पॉइंट मैं ये कन्वे करना चाह रहा हूँ दैट आई एम सो यूज्ड टू स्टेइंग क्लोज टू हर, स्टेइंग विद हर। और आज मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, कोई क्लिकबेट नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है पिछले 1 महीने से।
शी इज नॉट हेयर। हम सिर्फ दो भाई बहन है, मेरी एक छोटी सिस्टर है हु इज मैरिड और वो इंडिया से बाहर रिलोकेट करी थी कोविड होते ही, तो तकरीबन 2 साल से वो इंडिया से बाहर है। हम उससे नहीं मिल पाए बिकॉज ऑफ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, वीजे नहीं मिल पा रहे थे। शी हैड अ बेबी और हमने उसको भी केवल वीडियो कॉल्स पे ही देखा है। सो फाइनली फॉर्चुनेटली मेरी मदर का वीजा लगा एंड शी ट्रैवल्ड। मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई उसके पास जा रहा है, मुझे अच्छा लगा कि वो उससे मिल पाएंगी, पर साथ ही साथ मुझे दुख भी हुआ कि मेरे को उनके बिना रहना पड़ेगा जिसकी मुझे आदत नहीं है। अब वाई टुडे इज अ गुड डे, बिकॉज आज वो वापस आ रही हैं। ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद माय मदर इज कमिंग बैक। और ये उनकी फ्लाइट की डिटेल्स, मैं सुबह से बैठा इसे ट्रैक कर रहा हूँ, पता नहीं आपको दिख पा रही होगी कि नहीं। रात को 10:15-10:30 के करीब ये फ्लाइट लैंड करनी चाहिए। 11.5 घंटे का फ्लाइट टाइम अभी बचा है उनका एंड आई एम जस्ट ईगरली वेटिंग टू गो टू द एयरपोर्ट एंड पिक हर अप। और यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था कि अगर आपसे कोई बहुत क्लोज हो और फिर वो कहीं चला जाए तो उसका दुख बहुत होता है, आप उसे मिस करते हैं, लेकिन जब वो वापस आता है उसकी खुशी उस मिस करने के दुख से बहुत ज्यादा होती है। और वही मैं आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, शायद आपको मेरे चेहरे पे भी वो एक्साइटमेंट दिख रही होगी। और मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने, घर लाने के लिए। और आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, अपने माँ बाप का बिल्कुल ध्यान रखें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार करें। हमेशा हर बच्चा माँ बाप के साथ नहीं रह पाता, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होती है, बहुत रीजंस होते हैं, बट स्टे इन टच, लव देम, रिस्पेक्ट देम, यू आर हेयर बिकॉज ऑफ देम, रिमेंबर। अभी बज रहे हैं 7:30। मेरे कपड़े और पसीने देख के आपको लग रहा होगा मैं दोबारा जिम से आया हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने दिन में खास कुछ करा नहीं, मेरी मूवमेंट कुछ ज़्यादा हुई नहीं, मैं पढ़ा रहा, मैंने थोड़े से वीडियोस एडिट करे, टीवी देखा, तो इसलिए मैंने ट्रेडमिल करी है अभी 45 मिनट्स ताकि मेरे स्टेप्स कंप्लीट हो जाए, फिर भी नहीं हुए, तकरीबन 8,500 स्टेप्स ही हुए हैं। और बाकी मुझे लग रहा है कि एयरपोर्ट पर काफ़ी चलना पड़ेगा तो बाकी स्टेप्स वहाँ पर पूरे हो जाएंगे। एक मज़े की बात बताता हूँ, मेरे फादर भी ट्रैवल कर रहे हैं, वो हैदराबाद गए किसी ऑफिशियल काम से, उनको भी आज वापस आना था और उनकी फ्लाइट हैदराबाद से 8 बजे की है जो कि दिल्ली लैंड करेगी 10 बजे। मेरी मदर की फ्लाइट भी थोड़ी सी लेट है, वो भी लैंड कर रही है 10 बजे, तो दोनों लैंड कर रहे हैं साथ में, टर्मिनल अलग अलग है, तो मैं जाऊंगा अकेला और मुझे अपने माता पिता दोनों को वापस लेके आना है साथ में। इट बी फन, थोड़ा सा लेट नाइट होएगा मेरे लिए, इसलिए मैंने आधे घंटे का पावर नैप भी लिया है। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरी तरह जल्दी उठते हो शाम तक आपकी हालत खराब होती होगी, ये आधे पौने घंटे के पावर नैप्स ना बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। विहान का बहुत मन था अपनी दादी को लेने जाने का, लेकिन आज है संडे और कल है मंडे और है कल उसका स्कूल और हम हो जाएंगे लेट, तो इस वजह से मुझे दिल पे पत्थर रख के उस बेचारे का दिल तोड़ना पड़ा और उसे मना करना पड़ा, तो मैं अकेला ही जाऊंगा। लेकिन अब है टाइम डिनर करने का, डिनर करेंगे बराबर, 1 घंटे के अंदर निकलना है, 8:30 आई एम प्लानिंग टू लीव सो दैट आई एम एट द एयरपोर्ट बाय 10, ताकि जब मेरी मदर लैंड करे और मुझे फोन मिलाए उन्हें रीअश्योरेंस हो कि मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं। तो इस 8:30 ऑन द डॉट और हम रेडी हैं, निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। तो वैसे तो संडे रात के 9 बज रहे हैं लेकिन सड़कों पे बहुत अच्छी चहल पहल है, काफी भीड़ है और ऑनेस्टली ये देख के अब बुरा नहीं लगता, पहले ट्रैफिक को देख के प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जो पिछले 2 सालों में सुनसानियत देखी है ना, सुनसान रोड, सुनसान मोहल्ले, वो देख के अब लगता है कि लाइफ नॉर्मल है, लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। गूगल मैप में दिखा रहा है कि हम 9:35 तक एयरपोर्ट पहुंच जाने चाहिए। तो लो जी, हम बिल्कुल टाइम पे एयरपोर्ट पहुंच गए, अभी अभी मैंने गाड़ी लगाई है, पार्किंग भरी हुई है और एयरपोर्ट पे आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये शायद मैंने पहले के ब्लॉग्स में भी कवर किया है, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट की एनर्जी अच्छी लगती है, यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग होते हैं अलग अलग नेशनैलिटी के, अलग अलग एथनीसिटी के, इंडिया के अलग अलग रीजन से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स होते हैं, आपको अलग अलग टाइप के चेहरे देखने को मिलते हैं, आपको अलग अलग भाषाएँ सुनने को मिलती है, चाहे वो इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस हो चाहे वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हो, तो यहाँ की एनर्जी अलग होती है। दूसरी चीज़ भाई, मेरा घर इससे चलता है, मेरा कैरियर है एविएशन, तो जब तक एयरपोर्ट भरे नहीं रहेंगे तब तक मेरा घर नहीं चल पाएगा, तो मेरा पर्सनल लालच है कि एयरपोर्ट भरे रहने चाहिए। और तीसरा रीज़न ये है कि मैंने एयरपोर्ट पे काम किया है, मैंने अपना कैरियर एयरपोर्ट पे शुरू किया था, मेरी पहली जॉब एयरपोर्ट पे थी, मैंने 2.5-3 साल नाइट शिफ्ट करी है एयरपोर्ट पे, वो आपको कभी किसी और ब्लॉग में डिटेल में बताऊंगा। दैट्स व्हाई एयरपोर्ट्स आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड आई एंजॉय माय टाइम एट द एयरपोर्ट्स। भीड़ बहुत ज्यादा है, ऑनेस्टली बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है आज, मेरे को जाना है अराइवल्स लेवल पे जहाँ से मेरी मदर बाहर आएगी, वहां पर कुछ जुगाड़ ढूंढना है बैठने का, आई थिंक थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ऑप्शंस क्या क्या है पता नहीं, कोई कॉफी शॉप मिलेगी तो उस पर बैठ के टाइम काटते हैं।
हाँ जी सर, एक ब्लैक कॉफ़ी अभी यहाँ पीने के लिए। तो भाई यहाँ पर हो गया बढ़िया वाला जुगाड़। एसी कॉफ़ी शॉप्स खुली हुई हैं काफ़ी सारी। ये क्रिस्पी क्रीम के आगे मैं बैठा हूँ, मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर करी है और अब मैं यही बैठा रहूँगा एसी में गर्मी से बचने के लिए, जब तक मेरी मम्मी बाहर नहीं आती या मेरे पापा का फ़ोन नहीं आता। वो लैंड कर रहे हैं दूसरे टर्मिनल पर, टर्मिनल 2 जो सामने की तरफ है उसी में मैंने काम किया है 2.5-3 साल, तब टर्मिनल 3 नहीं होता था। कॉफ़ी मेरी 2 मिनट में आ गई है, मैंने मीडियम साइज़ बोला था, ये मीडियम बहुत बड़ा है, आई थिंक इसमें डबल शॉट कॉफ़ी होगी। तो मैं बैठ के कॉफ़ी इन्जॉय करूँगा यहाँ पर। और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि समय का सदुपयोग करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके पास स्पेयर टाइम है तो सोचो कि आप उसे कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो, और वही मैंने किया। मैं अपना लैपटॉप लेके आया था, मुझे लग रहा था कि मुझे वेट करना पड़ेगा, शायद मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, शायद फ़्लाइट लेट हो जाए, मेरे पास काफ़ी वीडियोज़ हैं एडिट करने के लिए। तो मैं अब इसे यूज़ करूँगा, यहाँ पर बैठ के अपने वीडियोज़ एडिट करूँगा और फ़ोन का वेट करूँगा। और जब मदर्स की बात हो रही है ना, तो मैं आपको इस लैपटॉप का एक किस्सा बताता हूँ, बहुत इमोशनल है मेरे लिए वो किस्सा। ये लैपटॉप मैंने अभी लिया है, 2022 की दिवाली के आसपास मैंने ये लैपटॉप लिया था। मेरे को अपने वीडियो एडिट्स करने में प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे पास एक पुराना लैपटॉप था जो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं थी, तो मैं एक एप्पल का लैपटॉप लेना चाहता था। लेकिन पिछले 2 साल से एविएशन इंडस्ट्री का बुरा हाल था और मैं फाइनेंशियली इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं था कि मैं एकदम से इतना बड़ा स्पेंड कर पाऊँ। ये मैकबुक एयर है तो ये अराउंड 90,000 का आता है, मैं इतने पैसे स्पेयर नहीं कर पा रहा था, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं थी मेरी उस टाइम। आई थिंक हम सब ने वो डिफिकल्ट दिन देखे हैं कोविड के टाइम पे, मैंने भी देखे हैं। लेकिन बातों बातों में शायद मैंने अपनी मदर के सामने बोला कि मेरे को अपने चैनल को ग्रो करने के लिए एक अच्छा लैपटॉप चाहिए, लेकिन मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ फाइनेंस करूँ। और उन्हें पता है कि मैं जनरली चीज़ें फाइनेंस नहीं करता, EMIs पे नहीं लेता। उन्होंने उसी शाम को पता नहीं कहाँ से पैसे निकाल के मेरे हाथ में रखे कि जा बेटा, जो तुझे लैपटॉप लेना है वो ले ले। एंड इट वॉज सो टचिंग एंड इमोशनल फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी मम्मी से या पापा से जब से मेरी जॉब लगी है पैसे नहीं मांगे, कभी नहीं मांगे। और उन्होंने सिर्फ मेरे एक बार बोलने पे, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस समवॉट क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, अपने सेविंग्स निकाल के मेरे हाथ में रखी, अपने 40 साल के बेटे के हाथ में जो पिछले कितने सालों से काम कर रहा है उसके हाथ में रखी। वो जेस्चर ही मेरे लिए बहुत था, मैंने वो पैसे यूज़ नहीं करे। इवेंचुअली मैंने ये लैपटॉप EMI पे ही लिया, मुझे लेना पड़ा। अब मैं EMI इसकी पे कर चुका हूँ, आई ओन इट नाउ, बट इट वॉज वेरी टचिंग। और एक मदर या एक पेरेंट ही ये कर सकता है। यार टाइम बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ किया है मैंने, वीडियो मेरा कंप्लीट हो गया है, मैंने इसको लगा दिया एक्सपोर्ट होने पे और अपलोड करेंगे घर जाके, क्योंकि इंटरनेट नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बड़ी ये खबर है कि फ़्लाइट आ गई है मम्मी की, उनका फ़ोन आया था मेरे को, फॉर सम रीज़न उनका इंडिया का सिम कार्ड नहीं चल पा रहा है, तो उन्होंने किसी और के नंबर से मुझे फ़ोन किया था, शी इज़ एट द बैगेज बेल्ट। तो उसके बाद भी आई थिंक उनको थोड़ा टाइम तो लगेगा। दीज आर द लास्ट फ्यू मिनट्स, आई एम वेरी एक्साइटिंगली वेटिंग टू सी हर। अभी यार एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि फ़ोन उनका चल नहीं रहा है, अब कौन से गेट से बाहर निकलेंगे मुझे पता नहीं है। मैंने उन्हें डायरेक्शन दी है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर आपको कोई ना मिले जो आपकी हेल्प करे फ़ोन करने में तो आप सीधा यहाँ पर आ जाना बैग को लेके। बट आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प हर विद द बैग, आई जस्ट होप उनको कोई भला आदमी मिल जाए जो उन्हें कॉल करने दे मुझे। तो यार 15 मिनट हो गए अभी तक वो बाहर तो आई नहीं है, ना कोई मुझे कॉल आया, पापा का कॉल आ गया, वो लैंड हो गए, तो इस पर मैं बाहर निकला हूँ जस्ट टू स्कैन, कहीं वो बाहर मुझे ढूंढ रही हूँ। मैंने उन्हें समझा तो दिया था कहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, बट शी इज़ नॉट अ रेगुलर ट्रैवलर वर्सेज माई डैड, वो तो ढूंढ लेंगे मुझे आराम से। पता नहीं मोबाइल फ़ोन के बिना पहले दुनिया कैसे चलती थी यार। वो आ गई हमारी सोलो ट्रैवलर, वो आ गई हमारी सोलो ट्रैवलर। आ गई है फाइनली, किसी को नहीं दिखा रहा, व्लॉग बना रहा था मैं, आते ही रोना भी शुरू हो गया। तो मैं पिलाऊंगा बढ़िया सी चाय, पापा की वेट करेंगे। इंडिया में वेलकम के लिए सबसे पहले अदरक वाली कड़क चाय रात को 11:30 बजे। पापा अभी तक नहीं आए, उनकी वेट हो रही है, तब तक हम ये चाय इंजॉय करेंगे। मैं इस टाइम क्या फील कर रहा था शायद मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता, और जितना मैं इमोशनल था शायद उतना ही मेरी मम्मी भी इमोशनल थी। हम एक दूसरे से 1 महीने के बाद मिले थे और आई थिंक पहले 5 मिनट तो बस हम एक दूसरे के पास बैठे रहे और ये रियलाइज करते रहे दैट शी इज बैक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने आपको बोर नहीं किया, बट आई रियली रियली लव माई मदर।